दोस्तों कल रात को ही मैंने नीरज घेवान जी की एक फेसबुक पोस्ट पढ़ी, उनके ऑफिशियल अकाउंट पर जिस पर ब्लू टिक मार्क है उस पर उन्होंने ये पोस्ट की हुई है। अब जिन्हें पता नहीं है नीरज घेवान कौन है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सेक्रेट गेम्स के सीजन 2 के सभी एपिसोड्स को नीरज घेवान ने ही डायरेक्ट किया है। अनुराग कश्यप भी उनके साथ में थे और अनुराग कश्यप फिल्म्स में वो काम करते हैं, ऐसा उनके फेसबुक अकाउंट पर लिखा हुआ है। तो 11 तारीख को दो तीन दिन पहले ही उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर्स और असिस्टेंट राइटर्स चाहिए DBA बैकग्राउंड से, यानी दलित, बहुजन और आदिवासी समाज से। और इसकी अगली पोस्ट में उन्होंने दी वायर को दिया हुआ एक इंटरव्यू की आर्टिकल की लिंक अगले पोस्ट में शेयर की है। और उसके उस पोस्ट का अगर हम कैप्शन पढ़े तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने जो DBA बैकग्राउंड वाली पोस्ट की थी 11 तारीख को, उस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं कुछ उनको मिली है और जो उनके इस DBA बैकग्राउंड वाली पोस्ट से नाराज़ है वो ये आर्टिकल पढ़े जो उन्होंने दिवायर को इंटरव्यू दिया है। दिवायर को तो आप जानते ही होंगे, उरी के समय उन्होंने कुछ हाइपरटॉक्सिक नेशनलिज्म जैसा कुछ आर्टिकल लिखा था उरी के लिए, तो उसको उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और उस आर्टिकल की लिंक उन्होंने अगले पोस्ट में शेयर की है। अब उस पोस्ट की जो आर्टिकल है उस आर्टिकल का ऊपरी डिस्क्रिप्शन अगर हम पढ़ें तो उस पर उन्होंने लिखा है कि नीरज घेवान को ये बात बहुत फनी लगी कि फिल्म इंडस्ट्री को डाइवर्स बनाने के उनके इस प्रयास पर लोगों की इतनी तीखी प्रतिक्रिया आई। अब मुझे वैसे तीखी प्रतिक्रिया उनकी इस पोस्ट पर तो कहीं पर दिखाई नहीं दी जो उन्होंने 11 तारीख को की थी DBA बैकग्राउंड वाली। उनके इस अकाउंट को कुछ 11,699 लोग फॉलो करते हैं और सीक्रेट गेम्स के सीजन 2 के वो डायरेक्टर है, लेकिन उन्होंने जो ये पोस्ट की थी उसके नीचे केवल मैंने कुछ 250 लाइक्स थे और नीचे के जो कमेंट्स थे वहाँ पर भी सभी ने सभ्य भाषा में उनके साथ में बात की है ऐसा मुझे दिखाई दिया। तो तीखी प्रतिक्रिया, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वगैरह तो मुझे कहीं पर देखने को नहीं मिला। उल्टा वरुण ग्रोवर जो सीक्रेट गेम्स के प्रमुख लेखक है और मोदी जी की आलोचना करके स्टैंड अप कॉमेडी में काफ़ी फेमस भी हुए थे पिछले कुछ समय में, उल्टा वो नीचे कमेंट सेक्शन में उनका ह्यूमर दिखाते हुए भी हमें नजर आते हैं। अब देखिए नीरज घेवान जी ने जो ये पोस्ट की है उसके जरिए जो उन्होंने ये बात कही है कि वो फिल्म इंडस्ट्री को डाइवर्स बनाना चाहते हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। पर फिर उनको इसके साथ में ही मुस्लिम समाज का भी उल्लेख करना चाहिए था, इसके साथ पारसी समुदाय का भी उल्लेख करना चाहिए था, जैन भाइयों का भी उल्लेख करना चाहिए था, या जो आर्थिक रूप से अति गरीब है वर्ग उनका उन्हें उल्लेख करना चाहिए था, या महाराष्ट्र में भी मराठा समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग बहुत गरीब है। मैं खुद भी मराठा समाज से आता हूँ, मेरे पिताजी ने भी भेड़े चराकर पढ़ाई पूरी की है और उनके मेरे पिताजी के जो भाई है बहन है किसी को भी पढ़ने का मौका नहीं मिला, अकेले मेरे पिताजी पढ़ पाए हैं क्योंकि उस समय इतनी आर्थिक परिस्थिति थी नहीं परिवार की। और आज भी मराठा समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग बहुत गरीब है, तो सबका ही उल्लेख उनको करना चाहिए था, जो अति गरीब है, मुस्लिम समाज है, सभी का नीरज घेवान जी को उल्लेख करना चाहिए था। लेकिन फिर भी चलिए, नीरज घेवान जी जिस प्रकार से डाइवर्स बनाना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री को वो भी हम अगर मान लें तो भी हमारे जो दलित और आदिवासी समाज के भाई हैं उन्हें वो केवल असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट राइटर तक ही सीमित क्यों रखना चाहते हैं? उन्हें भी मेन डायरेक्टर या मुख्य राइटर बनने का मौका दीजिए, उनकी कहानियों को भी समाज के सामने आने दीजिए, उनके टैलेंट को भी समाज के सामने आने दीजिए, या पर्दे के पीछे ही क्यों, पर्दे पर भी सामने आने दीजिए, कोई बड़ा रोल उनको दीजिए, मुख्य जो किसी वेब सीरीज का या किसी फिल्म का लीड एक्टर एक्ट्रेस उनको बनाइए, उनकी प्रतिभा को भी समाज के सामने आने दीजिए, या सेक्रेट गेम्स जैसी इतनी बड़ी वेब सीरीज अनुराग कश्यप फिल्म्स की उनकी टीम ने डायरेक्ट की है, बनाई है, तो वहाँ पर भी वो काफ़ी मौका दे सकते थे। या पंकज त्रिपाठी जी का जो कैरेक्टर है उनकी जगह किसी नए चेहरे को वो वहाँ पर उस पात्र के लिए मौका दे सकते थे। तो बैकग्राउंड के पीछे, पर्दे के पीछे ही क्यों, असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट राइटर तक ही वो क्यों सीमित रखना चाहते हैं हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के भाइयों को? और देखिए अनुराग कश्यप फिल्म्स इतनी बड़ी टीम है उनकी, और जितना मुझे समझ में आता है रोज़ सैकड़ों लोग उनके पास आते होंगे कि हमारी स्क्रिप्ट को पढ़िए, हमें मौका दीजिए, हमारे टैलेंट को सामने आने का मौका दीजिए, हमारी एक्टिंग को देखिए। रोज़ नहीं तो हफ्ते में तो सैकड़ों लोग कम से कम उनके पास में आते ही होंगे, उनकी टीम के पास में, अनुराग कश्यप फिल्म्स जो उनकी कंपनी है जो भी है उनके पास कोई चांस ढूंढने के लिए, कोई मौका ढूंढने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आने का रोज़ सैकड़ों लोग तो आते ही होंगे। और अगर
नीरज घेवान जी चाहते तो उनमें से जो अति गरीब है या पिछड़े वर्ग के भाई है उनको आप वहाँ पर वो मौका दे सकते थे, इन अलग से उनको फेसबुक पर ये पोस्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी मुझे ये समझ में नहीं आया। अभी जो उन्होंने ये पोस्ट की है उससे ऐसा लगता है जैसे वो केवल पब्लिसिटी के लिए ये पोस्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरे विचार में डाइवर्सिटी, विविधता को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम हमारे मन से जातिवाद को हटा देंगे, सबको समान दृष्टि से देखेंगे। दोस्तों, आपके नीरज घेवान जी की इस पोस्ट के ऊपर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।